हेलो दोस्तों, चलिए। जैसा कि वादा किया हुआ था, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यूज लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये समसामयिकी घटना चक्र के पीवाईक्यूज होंगे। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड तो इसमें ये सिलेबस रहने वाला है पूरा, उसको देख लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण के बोधात्मक स्तर यानी कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि मॉरिसन के अनुसार है कि 5 चरणों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में संयोजित कीजिए। पहला है संगठन, दूसरा है आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, तीसरा है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, चौथा है सासवर बाठन यानी रिसाइटेशन, पांचवा है संवेषण यानी कोऑर्डिनेशन। तो इसको आप दिए गए विकल्पों में से चुनना है। होप आप लोगों ने सोचा होगा। इसमें दोस्तों जो आंसर होगा फर्स्ट होगा आंसर। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और फिर सबसे लास्ट में सासवर पाठन यानी रिसाइटेशन। तो ये है इसका क्रम, कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, बोधात्मक शिक्षण में यानी जो कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है, में शिक्षक का यह प्रयास होता है कि वह छात्रों के बौद्धिक व्यवहार को अर्थात समझने की क्षमता को, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को अधिक से अधिक बढ़ाने में छात्रों की सहायता करे। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का सम्मिलित प्रयास होना चाहिए। अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी में अब बोध की परिभाषा दी गई है, जो कि इसका मतलब है कि अर्थ ग्रहण करना, विचार को ग्रहण करना, समझना, किसी वस्तु से पूर्ण रूप से परिचित भाषा में किसी शब्द के अर्थ प्रयुक्त संदर्भ में समझना, किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से जानना या ग्रहण करना। तो कॉग्निशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को ग्रहण करना, अर्थ किसी चीज का अर्थ ग्रहण करना, विचार को ग्रहण करना, समझना, किसी वस्तु से पूर्ण रूप से परिचित भाषा में किसी शब्द के अर्थ प्रयुक्त संदर्भ में समझना, किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से जानना या ग्रहण करना। मॉरिसन के बौद्धात्मक स्तर यानी कॉग्निटिव स्टेज के शिक्षण का प्रारूप इस प्रकार है। जैसे तो इसमें उद्देश्य होगा, उद्देश्य का क्या अर्थ है, इस स्तर के शिक्षण में रटने की अपेक्षा समझने पर बल दिया जाता है उद्देश्य में। और संरचना में इस व्यवस्था में मॉरिसन ने 5 मुख्य सोपानों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? अन्वेषण, तो अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन, फिर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, आत्मीकरण यानी एसिमिलेशन, व्यवस्था यानी अरेंजमेंट, और वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन। अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, इसमें शिक्षक द्वारा छात्र से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, उसी आधार पर शिक्षक नवीन ज्ञान प्रदान करता है। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में इस चरण में शिक्षक पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर क्रमवार तरीके से छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और साथ ही साथ शिक्षक छात्र का भी मूल्यांकन करता है कि छात्र को कौन सी वस्तु समझ में नहीं आई। आत्मीकरण यानी असिमिलेशन, तो इसमें कई क्रियाएं शामिल रहती हैं, पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देना, विद्यार्थियों को कक्षा कार्य व गृह कार्य देना, छात्रों को विषय वस्तु के सामान्यीकरण का अवसर देना, इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निर्देशित करना, पाठ्य वस्तु के स्वामित्व का परीक्षण किया जाता है। व्यवस्था यानी अरेंजमेंट, तो इसमें छात्रों द्वारा समझी गई विषय वस्तु को बिना किसी सहायता से लिखा जाता है। वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन, तो इसमें छात्रों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु को कक्षा में मौखिक रूप से प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में सही विकल्प ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण के ADDIE मॉडल में डी का क्या अर्थ है? तो पहला है अविकल्प और विकास यानी डिजाइन एंड डेवलपमेंट, विकास और परिनियोजन यानी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, अभिकल्प और परियोजन डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट, लास्ट है समर्पण यानी डेडिकेशन एंड विकास और डेवलपमेंट। तो
होप आप लोगों ने सोचा होगा, इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो हर सफल शिक्षण अनुभव को पहले पूरी तरह से नियोजित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में एक विशेष अभ्यास शुरू किया जा सके। इसमें से एक ADDIE मॉडल योजना है। इस मॉडल में यह प्रयास किया जाता है कि कैसे ऑनलाइन टूल और शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे EdApp, ADDIE मॉडल एप्लीकेशन में बेहतर परिणाम लाया जा सके। एडी ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया या शिक्षण अनुभव में शामिल 5 चरणों का संक्षिप्त रूप है, जिसको कि एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो एडी में दोस्तों, ADDIE में एक का मतलब क्या है, एनालिसिस, DDD तो पहला है डिजाइन, दूसरा है डेवलपमेंट, आई यानी इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन, और ई है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। तो विश्लेषण यानी एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट यानी विकास, फिर आई यानी इम्प्लीमेंटेशन, और ई यानी इवेल्युएशन मूल्यांकन। तो इस मॉडल का प्रयोग वर्ष 1950 के दशक में, मतलब पहली बार किया गया, या 1950 के दशक से किया जा रहा है, जब इसे अमेरिका के सैन्य प्रशिक्षण में लागू किया गया था। निर्देशात्मक डिजाइन सिस्टम यानी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिस्टम, जिसका एक हिस्सा ADDIE है, जो संज्ञानात्मक और व्यवहारिक मनोविज्ञान से उत्पन्न होता है। तो ये कॉग्निटिव और अप्लाइड साइकोलॉजी से उत्पन्न होता है। इस प्रकार के एडी मॉडल में डी का अर्थ है अभिकल्प और विकास, यानी डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अतः दिए गए विकल्पों में से ये सब सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम में शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव का एक उदाहरण है। अधिगम यानी लर्निंग में क्लासिकल कंडेंसिंग प्रभाव का एक उदाहरण यानी एक एग्जांपल, तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? तो होप आप लोगों ने सोचा होगा, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ए होगा, यानी निहित स्मृति यानी इम्प्लिसिट मेमोरी। लर्निंग में क्लासिकल कंडेंसिंग का एक उदाहरण है निहित मेमोरी यानी इम्प्लिसिट मेमोरी। तो अधिगम में लर्निंग में शास्त्रीय अनुकूलन का प्रभाव का उदाहरण निहित मेमोरी है, तो ये काइंड ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी है। शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग या अनुबंध का सिद्धांत आई बी पाउलो द्वारा वर्ष 1904 में प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचार्य स्थापित होना ही अनुबंध है। तो उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट ही कंडेंसिंग कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। इसको समझने के लिए पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। इस प्रयोग में कुत्ते को खाना दिया जाता था तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाता था। अब कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी और घंटी के साथ खाना दिया जाता था। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया तो उसके बाद वह जब घंटी बजाई जाती थी और भोजन नहीं दिया जाता था, इसके तुरंत बाद कुत्ते के मुंह में लार आनी प्रारंभ हो जाती थी। इस प्रकार इस प्रयोग में यह स्पष्ट होता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपन यानी स्टिमुलस के साथ अस्वाभाविक दिया जाए और इसकी पुनरावृत्ति अनेक बार की जाए, तो भविष्य में स्वाभाविक उद्दीपक के हटाए जाने पर भी अस्वाभाविक उद्दीपक से वही अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होती है। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं प्लेटफॉर्म कक्षाओं में पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों के संचालन को साध बनाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा 5 से परास्नातक तक, केवल कक्षा 11 से परास्नातक तक, केवल परास्नातक तक, या डी ऑप्शन है कक्षा 9 से परास्नातक तक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी होगा, डी यानी कक्षा 9 से परास्नातक तक। स्वयं
भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम में शिक्षा नीति के तीन मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे पहुंच यानी एक्सेस एक्सेस, फिर समता यानी इक्विटी इक्विटी, और गुणवत्ता यानी क्वालिटी। तो एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी को इंश्योर करना इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वंचितों को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध करवाना है, यानी सर्वोत्तम शिक्षण टीचिंग और लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा नौवीं से परास्नातक यानी कक्षा नौवीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों के संचालन को साध्य बनाता है। इसके सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव, जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और किसी भी शिक्षार्थी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म पर क्रमशः NIOS और NIOS और NCERT स्कूली शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन कर रहे हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में पाठ मॉड्यूल, वीडियो ट्यूटोरियल, मूल्यांकन प्रश्न और स्वशिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन शामिल हैं। अतः इस प्रकार उपरोक्त में दिए गए विकल्पों में डी विकल्प सही होगा। फिर नीचे दो कथन दिए हुए हैं। कथन नंबर वन कि शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक और समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। पहला स्टेटमेंट है कि शिक्षण के जो मेमोरी लेवल होता है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक यानी रैशनल और समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल चिंतन थिंकिंग को विकसित करना है, पहला इसका कथन है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शिक्षण के विमर्शक स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और नीति निर्माण को विकसित करने का सामर्थ्य है। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करना है। तो कथन एक व दो दोनों सत्य हैं, कथन एक व दो दोनों असत्य हैं, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो मतलब सत्य है। ये तो इसमें दोस्तों जो आंसर होगा वो डी होगा, मतलब कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो शिक्षा के स्मृति यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का क्या उद्देश्य है? का उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना नहीं अपितु अर्थ एवं उनके प्रयोगों की चिंता किए बिना तथ्यपूर्ण सूचनाओं को केवल याद करना होता है, यानी केवल रोट लर्निंग इसमें की जाती है, केवल मेमोराइजेशन किया जाता है। इसमें संज्ञानात्मक योग्यताओं का बहुत ही सीमित प्रयोग होता है, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज का बहुत ही सीमित उपयोग होता है। तो इस प्रकार ये कथन पहला असत्य है। दूसरा कथन और सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार शिक्षण के विमर्शक स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और नीति निर्माण को विकसित करने का समर्थ पैदा करना है। इससे विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव योग्यताओं की वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार जो पहला स्टेटमेंट है गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि स्वयं जैसे मंच के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम सामग्री अधिगमकर्ताओं को किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर पढ़ने उपयोग में सहायता करती है। तो अधिगमकर्ताओं यानी लर्नर्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि चर्चा बोर्ड्स अतुल्यकालिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। तो डिस्कशन बोर्ड जो होते हैं दोस्तों, डिस्कशन बोर्ड्स का मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि जो डिस्कशन बोर्ड होते हैं वो असिंक्रोनस मीडियम के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी अधिगमनकर्ता यानी लर्नर किसी भी समय प्रश्न या उत्तर पोस्ट कर सकता है। तो इसमें देखना है उपरोक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख उद्देश्यों पहुंच इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मंच के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रमों की सामग्री अधिगमकर्ताओं को किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर पढ़ने व उपयोग करने में सहायता देती है। इस प्रकार कथन एक सत्य है। कथन दो के अनुसार चर्चा बोर्ड्स
असिंक्रोनस माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी अधिगमन करता यानी कोई भी लर्नर किसी भी समय पर प्रश्न या उत्तर पोस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता है, यानी टीचर सेंटर्ड क्लास रूम मैनेजमेंट की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? या टीचिंग या टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट की विशेषता। पहला स्टेटमेंट है कि अनुशासन स्वयं से प्रकट होता है, शिक्षक एकमात्र नेता अग्रणी है, विद्यार्थी कक्षा के प्रचालनों के लिए सुगम करता है, विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्वों को अनुमति दी जाती है। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा, यानी केवल बी और डी। तो शिक्षक एकमात्र नेता या अग्रणी होता है टीचिंग सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट में, और विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्व की अनुमति दी जाती है। तो उपरोक्त में से शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंधन की विशेषता क्या है, यानी टीचिंग सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट की विशेषता क्या है, कि शिक्षक एकमात्र नेता अग्रणी होता है, विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्वों की अनुमति दी जाती है, वस्तुतः एक शिक्षक का वास्तविक कार्य क्षेत्र तो उसकी कक्षा है। कक्षा ही एक कार्यशाला है जहां वह अपने ज्ञान तथा व्यवस्था के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व को उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। शिक्षक का कार्य केवल विषय ज्ञान का निष्पादन नहीं अपितु कक्षा अधिगम यानी क्लास लर्निंग से जुड़ी समस्त व्यवस्था का प्रबंधन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अनेक दिनों तक बीजगणित में रैखिक समीकरणों का समाधान करता है और रैखिक समस्याओं के समाधान में क्रमिक रूप से अधिक दक्ष हो जाता है। वह समस्याओं के समाधान में न केवल अधिक सटीक हो जाता है बल्कि अधिक तेजी से समस्याओं का समाधान करता है। निष्पादन में यह क्रमिक सुधार रूपांतरण परिवर्तन का एक रूप है जिसको क्या कहा जाता है, डेड डैश के नाम से जाना जाता है। सीखने का अधिगमन यानी लर्निंग टू लर्न, सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन, स्थान विनिमय यानी ट्रांसपोजिशन, फिर अभिज्ञान यानी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा सीखने का अधिगम यानी लर्निंग टू लर्न। एक व्यक्ति अनेक दिनों कई दिनों तक बीजगणित में रैखिक समीकरणों का समाधान करता है और रैखिक समस्याओं के समाधान में क्रमिक रूप से अधिक दक्ष हो जाता है। वह समस्याओं के समाधान में न केवल अधिक सटीक हो जाता है बल्कि अधिक तेजी से समस्याओं का समाधान करता है। निष्पादन में यह क्रमिक सुधार रूपांतरण परिवर्तन का एक रूप है जिसको सीखने का अधिगमन यानी लर्निंग टू लर्न का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। पहला है प्रदत्त प्रतिपुष्टि के साथ लघु सोपान प्रस्तुतिकरण यानी शॉर्ट स्टेप प्रेजेंटेशन विद प्रोवाइडेड फीडबैक। दूसरा है सुबोध भाषा में विषय वस्तु प्रस्तुति यानी कंटेंट प्रेजेंटेशन इन कंप्रिहेंसिबल लैंग्वेज। थर्ड है विचारों की बृहद मात्रा का उत्पादन, तो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट है सहभागियों के बीच विषय आधारित अन्योन्यक्रिया यानी टॉपिक बेस्ड इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों बी है, यानी सुबोध भाषा में विषय वस्तु प्रस्तुति यानी कंटेंट प्रेजेंटेशन इन कंप्रिहेंसिबल लैंग्वेज। उपरोक्त में से शिक्षण की व्याख्यान पद्धति का वर्णन सर्वोत्तम ढंग से करने वाले तथ्य हैं सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति, जिससे विद्यार्थी आसानी से समझ सके, और नोट करने वाले तथ्यों को नोट भी कर सके।
इससे विद्यार्थी के स्मृति पटल पर विषय व उससे जुड़े तथ्य समझ के साथ आसानी से अंकित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु तो इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन है पुनर्व्यवस्थापन यानी रीअरेंजमेंट, विभेदीकरण यानी डिफ्रेंसिएशन, थर्ड है सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन और चौथा है अनुस्मरण यानी रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? होप आप लोगों ने सोचा होगा। तो इसका आंसर है सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन। तो जब कोई सुधार्थी बालक विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है या जान लेता है और उसके बाद वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु तो इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है तो उसे सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन कहा जाता है। वस्तुतः इसमें एक परिकल्पना का यदि परीक्षण किया जाता है और दावों को कई बार बरकरार रखा जाता है तो शोधार्थी के लिए सामान्यकरण पर पहुंचना संभव हो सकता है। शोध का वास्तविक मूल्य कुछ सामान्यकरणों पर पहुंचने की क्षमता में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या विकास मॉडल यानी करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल प्रतिरूप गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक मॉडल प्रतिरूप के अंतर्गत आता है? तो हाँ होप दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन को आंसर सोचा होगा। इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ये डी होगा, मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल यानी ओपन क्लासरूम मॉडल, तांबा मॉडल या हंकिंग विकास मॉडल, गुडलैंड मॉडल ये नहीं होंगे, मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल यानी ओपन क्लासरूम मॉडल होगा। पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उससे बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं। इसका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। पाठ्यचर्या विकास मॉडल प्रतिरूप कई प्रकार के होते हैं जिसमें मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल प्रतिरूप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियां, संसाधन और उपलब्धियों का डिजिटल संग्रह है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थान निर्मित करते हैं वो डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। तो होप दोस्तों आपने आंसर सोचा होगा। तो इसमें जो आंसर होगा ई पोर्टफोलियो होगा, ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियां, संसाधन और उपलब्धियों का डिजिटल संग्रहण होता है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थान निर्मित करते हैं वे डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। पोर्टफोलियो के प्रकार, तो जेनर एवं रे के अनुसार पोर्टफोलियो कौन कौन से प्रकार हैं? अधिगम पोर्टफोलियो, प्रमाण पोर्टफोलियो, प्रदर्शन पोर्टफोलियो यानी लर्निंग पोर्टफोलियो, दूसरा है प्रूफ पोर्टफोलियो, तीसरा है परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो से तात्पर्य डिजिटल रूप में संग्रहित एवं संरक्षित प्रमाण पत्रों से है जो किसी व्यक्ति के कठिन श्रम, रचनात्मक एवं सहयोग को निरूपित एवं प्रतिबिंबित करते हैं। इसे डिजिटल पोर्टफोलियो, वेब पोर्टफोलियो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैस्मिन ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला कक्ष में अपनी प्रयोगशाला परीक्षा के समय एक 5 मिली पेपेट का उपयोग किया किंतु पाठ्यांक सही नहीं था। जब वह हतोत्साहित होने लगी तब उसकी मित्र रंजिता ने उसे पिपेट को ठीक से पकड़ने और रसायन को सही ढंग से डालने का सुझाव दिया। अब उसने सफलता प्राप्त की और अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, दूसरा है साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम, तीसरा है आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन और चौथा है समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बताइए, होप दोस्तों आप लोगों ने सोचा होगा। तो इसका जो आंसर है वो है समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैस्मिन महोदय ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला कच्छ परीक्षण के समय एक 5 मिली पेपेट का प्रयोग किया, किंतु पाठ्यांक सही नहीं था। जब वो हतोत्साहित होने लगी, जैस्मिन महोदय हैं ये, तब उसकी मित्र रंजिता ने उसे सुझाव दिया कि पिपेट ठीक से पकड़े और रसायन को सही मात्रा और रूप में डाले। इस सुझाव के पश्चात जैस्मिन को सफलता मिली और अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हुआ। यह समीपस्थ विकास क्षेत्र का उदाहरण है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि बेंडुरा की अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से एक के तत्व तो हैं, यानी ये बेंडुरा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसका एक रिजल्ट है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या हैं, ध्यान है, ध्यान यानी मेडिटेशन, फिर दूसरा है प्रतिधारण यानी रिटेंशन, तीसरा है प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर, चौथा है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, चौथा है अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो हो दोस्तों, आप लोगों ने सोचा होगा तो इसका जो आंसर है वो सी है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, बेंडुरा की अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं। तो ए है यानी ध्यान यानी मेडिटेशन, दूसरा बी यानी प्रतिधारण रिटेंशन, तीसरा सी प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर, और ई अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। प्रेक्षण अधिगमन यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि बेंडुरा की अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से एक के तत्व हैं, ध्यान यानी मेडिटेशन या अटेंशन, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु, प्रतिधारण यानी रिटेंशन, तो व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान रूप में प्रकट करने हेतु, प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर, तो धारण करने के पश्चात उसका प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, चौथा है मोटिवेशन अभिप्रेरण, तो सकारात्मक पुनर्बलन अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा हेतु। बेंडुरा ने सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत दिया यानी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी। इन्होंने बार्बी डाल पर इसका प्रयोग किया, तो बार्बी डाल पर इसका प्रयोग किया इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो ये राष्ट्रीय समन्वयक है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और स्वयं के लिए मॉक्स या मूक के विकास के लिए अधिदेश। दोस्तों मिलाने का प्रयास कीजिए। इसमें दोस्तों जो यूजीसी सीईसी होगा वो तीसरे नंबर से मिलेगा, यूजी और पीजी स्तर के गैर तकनीकी पाठ्यक्रम, एनपीटीईएल ये मिलेगा किससे, इंजीनियरिंग तकनीकी पाठ्यक्रम से मिलेगा। ए आई सी टी आई ये दोस्तों प्रमाणन पाठ्यक्रम से मिलेगा, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम से मिलेगा। और इग्नू ये दोस्तों स्वतः समगामी और आजीवन अधिगमन पाठ्यक्रम इससे मिलेगा। टोटल कुल मिला के सी नंबर इसका होगा, पहले का सी यूजी और पीजी स्तर के गैर तकनीकी पाठ्यक्रम, बी में यानी एनपीटीईएल इंजीनियरिंग तकनीकी पाठ्यक्रम से मिलेगा, एआईसीटीआई ये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम से मिलेगा, और इग्नू ये दोस्तों स्वतः समगामी और आजीवन अधिगमन पाठ्यक्रम से मिलेगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों, पहुंच यानी एक्सेस, समानता यानी इक्विटी, और गुणवत्ता यानी क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया।
इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगमन संसाधनों को सभी तक पहुंचाना है, स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना चाहता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी कोर्सों को किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री का उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने हेतु 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं: AICTE नेशनल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन स्वपुस्तक और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग इंजीनियरिंग के लिए, फिर UGE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, तो ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए इसको किया गया है। फिर CECA कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये ग्रेजुएट शिक्षा है तो इसको उपयोग किया गया है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्कूल शिक्षा हेतु, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग स्कूल शिक्षा हेतु, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल से बाहर के छात्रों के लिए, IIMB यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु प्रबंधन के अध्ययन हेतु, NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 21वीं सदी के एक अच्छे अध्यापक के रूप में किसका मूल्यांकन करेंगे? पहला है अध्यापक वन, अध्यापक ए विभिन्न पुस्तकों से नोट्स तैयार करता है और उन्हें छात्रों के साथ नोट्स की जीरोक्स कॉपी साझा करता है जिससे वे स्वयं शिक्षा ग्रहण कर पाए। दूसरा अध्यापक बी प्रस्तुतिकरण टूल्स का प्रयोग करता है और अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, इसके बाद चर्चा होती है। अध्यापक सी नोट्स बनाता है और बोर्ड पर लिखता है तथा विद्यार्थियों को कॉपी करने एवं कंठस्थ याद करने के लिए कहता है। अध्यापक डी ग्राफिक वीडियो एवं एनिमेशन के साथ अवधारणाएं स्पष्ट करता है और छात्रों के साथ चर्चा करता है। अध्यापक ई कक्षा में पढ़ाने से पहले अच्छी गुणवत्ता की वीडियो प्रदान करता है और कक्षा में उसके बारे में चर्चा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो होप आप लोगों ने सोचा होगा, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों डी है, केवल बी डी और ई। तो 21वीं शताब्दी के अध्यापक के रूप में मूल्यांकन, तो सबसे पहले तो अध्यापक बी के रूप में प्रस्तुतिकरण टूल्स का प्रयोग करते हुए और अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसके बाद चर्चा होगी। अध्यापक डी के रूप में ग्राफिक वीडियो एवं एनिमेशन के साथ अवधारणाएं स्पष्ट करते हुए और छात्रों के साथ चर्चा करते हुए, और थर्ड नंबर अध्यापक ई के रूप में कक्षा में पढ़ाने से पहले अच्छी गुणवत्ता की वीडियो प्रदान करते हुए और कक्षा में उनके बारे में चर्चा करते हुए, तो इसका विकल्प डी होगा सही उत्तर। एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक सुनिश्चित करेगा, तो एक एफिशिएंट या इफेक्टिव एक्सप्रेसिव टीचर इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा क्या? पहला है शिक्षण में एकरूपता, छात्र अधिगमन परिणाम यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, व्यक्तिगत आदर्शों में परिवर्तन चेंज इन पर्सनल आइडल्स, और सांस्कृतिक एकीकरण यानी कल्चरल इंटीग्रेशन। बताइए, होप आप लोगों ने दोस्तों सोचा होगा, तो इसका जो आंसर है बी होगा, छात्र अधिगम परिणाम यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक यानी एक इफेक्टिव एक्सप्रेसिव टीचर छात्र अधिगमन परिणाम यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सुनिश्चित करेगा। वस्तुतः संचार ग्रहणशील और अभिव्यंजन दोनों होता है, संचार ग्रहणशील और अभिव्यंजन दोनों होता है।
इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है वो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों होता है। शिक्षकों को अपने छात्रों को सुनने के साथ साथ चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने में कुशल होना चाहिए। किसी भी सामग्री के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के विचारों में स्पष्टता आवश्यक है, साथ ही जटिल विचारों या तथ्यों को सरल करते हुए छात्रों तक प्रेषित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है, यानी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल का क्लास में सही प्रारूप है कौन सा है? उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, स्पष्टता यानी क्लैरिटी, चिंतन यानी रिफ्लेक्शन और अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन। फिर दूसरा है कोचिंग, मार्गदर्शन यानी गाइडेंस या मेंटरिंग, आत्मसाथीकरण यानी एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन सामाजिकरण, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट और प्रभाव यानी इफेक्ट। थर्ड है अभिज्ञान करना यानी रिकॉग्निशन, कंठस्थ करना मेमोराइजेशन, कोचिंग समाजीकरण, आत्मसातीकरण और अनुकूलन। डी नंबर है अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, कंठस्थ करना यानी मेमोराइजेशन, अवधारणा कॉन्सेप्ट, मेमोराइजेशन कल्पना और निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशन। तो होप दोस्तों आप लोगों ने सोचा होगा और इसका आंसर है ए। कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के रूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है यानी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल का सही प्रारूप कौन सा है? प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग, फिर कोचिंग, फिर स्कैफोल्डिंग, फिर उच्चारण स्पष्टता, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी, चिंतन यानी रिफ्लेक्शन और अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन। फिर वस्तुतः यह एक ऐसी शैक्षणिक विधि है जो छात्रों को गतिविधि और सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्रामाणिक प्रथाओं में शामिल करने से संदर्भित करती है। कोलिस, ब्राउन और न्यूमन महोदय ने संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता सिद्धांत में निहित 6 शिक्षण विधियों का विकास किया, साथ ही दावा किया कि इन विधियों से छात्रों को ज्ञान का उपयोग, प्रबंधन और खोज के लिए संज्ञानात्मक और मेटाकॉग्निटिव रणनीतियों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन 6 विधियों में प्रारूपण यानी मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, मचान विधि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के मूल में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक मूल्यांकन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फॉर्मेटिव असेसमेंट, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द इवेल्युएशन प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट है, विकल्प है कि एक शिक्षक कोर्स वर्क पूर्ण करने पश्चात विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करता है। दूसरा, शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेह का निवारण करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के समग्र निष्पादन का रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह पर पिता और माता को दिया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक अंतिम परीक्षा में विद्यार्थियों को वर्ष के अंत में अंक प्रदान करता है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ये क्या होगा दोस्तों? बी होगा, यानी शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेह का निवारण करता है। तो उपरोक्त में से फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है, शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेह का निवारण करता है। वस्तुतः इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र से विविध प्रकार की गतिविधियों से जानकारी ली जाती है, उनके सीखने और प्रगति के आकलन में मदद करती है, जिससे छात्रों की पहचान भी हो जाती है, इसको सीखने समझने में कठिनाई होती है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता निर्धारण की रणनीति, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल स्ट्रेटजी और इसका अर्थ। तो होप दोस्तों आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। प्रतिरूपण यानी इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है? इम्पर्सोनेशन मतलब किसी विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट का, शिक्षक हो सकता है या अधिक अनुभव समकक्ष व्यक्ति हो सकता है, के निष्पादन का प्रेक्षण करना, यानी उसके जो
परफॉर्मेंस है उसको ऑब्जर्व करना, प्रतिरूपण कहलाता है, इम्परसोनेशन कहलाता है, इम्परसोनेशन कहलाता है। दूसरा कोचिंग, तो कोचिंग में अधिगमन अधिगम करता को यानी लर्नर्स को संकेत प्रतिपुष्टों अनुस्कार अनुस्मारकों के रूप में बाह्य समर्थन प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल सपोर्ट टू लर्नर इन द फॉर्म ऑफ क्यूज, फीडबैक और रिमाइंडर। तो जो लर्नर होता है उसको एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करना क्यूज, फीडबैक और रिमाइंडर के माध्यम से। इसके फोल्डिंग, इसका क्या मतलब है, तो इसका ए से मिलेगा, ये अधिगमकर्ता को प्रारंभ करने में सहायता तथा क्रमशः समर्थन क्षीण करना, तो हेल्पिंग द लर्नर टू गेट स्टार्टेड एंड ग्रेजुअली टेपर ऑफ द सपोर्ट। तो लर्नर को पहले सपोर्ट करना कि वो स्टार्ट करे ना, शुरुआत करे, और धीरे धीरे जो सपोर्ट है उसको कम कर देना। उच्चारण स्पष्टता, उच्चारण स्पष्टता यानी प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी, तो इसका थर्ड से मिलेगा, उसकी प्रक्रिया और विषय वस्तु की समझ को सद प्रदान करना। ये पूरा यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 8 वर्षीय लड़का अच्छे विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेदन कर दिया, इस कारण वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया, यानी एंग्जियस बालक बन गया, एंग्जियस बालक बन गया। अक्षय का शिक्षक कक्षा में उसकी एंग्जियसनेस को कम करने के लिए क्या कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी उसका शिक्षक संरचना सांगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। तो हिज टीचर कैन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड ऑप्शंस। तो इसमें यही है कि उसका जो शिक्षक है संरचना सांगठनिक यानी ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स और ऑप्शंस प्रदान कर सकता है उसको, इसके माध्यम से वो अपने आप को फिर से रीअसेट कर सके और अच्छा बन सके। सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। तो होप दोस्तों आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और आंसर सोच लिया होगा। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, केवल ए और सी। तो सहयोगात्मक अधिगम यानी जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विजाती होते हैं। विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम वर्तमान में छात्रों के उच्च अधिगम की मांग है। यह छात्रों को स्वयं करे सीखने का अवसर देता है। यह अधिगम छात्रों को न केवल पाठ का अध्ययन करना सिखाता है अपितु उनका सामाजिक कौशल जैसे सहयोग, सहायता, समायोजन आदि भी सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि डीडी ज्ञान दर्शन केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू IGNOU द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए DTH चैनल, GSAT 15 उपग्रह का प्रयोग करता है। तो इसमें उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें दोस्तों डी सही होगा, यानी पहला कथन असत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य है। तो डीडी ज्ञान दर्शन भारत में शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है। यह वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, इग्नू का एक संयुक्त उपक्रम है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि डीडी ज्ञान दर्शन केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल, ये शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है। तो टेलीविजन चैनल तो है लेकिन ये शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है और इसका प्रसारण
यह वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू का एक संयुक्त उपक्रम है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए डीटीएच चैनल का जी सेट 15 उपग्रह उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार कथन दो सही है। जी सेट 15 भारतीय संचार उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है तथा इसे 2015 में लॉन्च किया गया। इस प्रकार कथन एक असत्य है और कथन दूसरा सत्य है। फिर से दो कथन आए। तो पहला स्टेटमेंट है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप यानी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एक ऐसा संबंध है जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखिए को सांस्कृतिक कौशलों की समझदारी और उपयोग में सहायता करता है। दूसरा, इसके फोल्डिंग वह तकनीकी है जिससे कि एक कम कुशल समकक्षी के सहयोग का स्तर बदलकर एक अधिक कुशल समकक्षी के सहयोग के स्तर पर लाया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों? इसमें सी सही होगा, यानी कथन एक तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षता यानी अप्रेंटिसशिप कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एक ऐसा संबंध है जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखिए को सांस्कृतिक कौशलों की समझदारी व उपयोग में सहायता करता है। वस्तुतः संज्ञानात्मक प्रशिक्षता एक शैक्षणिक विधि है जो छात्रों को गतिविधि और सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्रामाणिक प्रथाओं में शामिल करने के लिए संदर्भित करती है। इस प्रकार कथन एक सत्य है। इसके फोल्डिंग वह तकनीकी है जो एक छात्र को नई शिक्षा तकनीक हेतु प्रेरित करती है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि वे नई अवधारणा या कौशल सीखते हैं। इसे मचान मॉडल शिक्षा शिक्षण भी कहते हैं। तो इस प्रकार कथन दूसरा असत्य है जबकि पहला सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षक का राष्ट्रीय संयोजक? तो इसमें सी ई सी होगा। स्वयं अर्थात स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एक एकीकृत मंच है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एक एकीकृत मंच है यानी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है यानी कक्षा 9 से पीजी तक। इसके लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक सीईसी है। वस्तुतः सीईसी मॉक्स भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाता है। इसने 482 से अधिक मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स विकसित किए हैं। इस क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ध्यान ढांचा यानी अटेंशन फ्रेम के माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव है जिस पर संप्रेषित विषय वस्तु को जनता के ध्यान में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में संचार में स्थित सभी ध्यान ढांचों अटेंशन फ्रेम पर ध्यान दिया जाए तो ये सभी ढांचे एक समान अपरिष्कृत यानी अनसोफिस्टिकेटेड और गैर अन्योन क्रियात्मक होते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा, यानी पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है। ध्यान ढांचा यानी अटेंशन फ्रेम के माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव होता है जिस पर संप्रेषित विषय वस्तु को जन सामान्य के ध्यान में लाया जा सकता है। आधुनिक समाज में संसार में स्थित सभी ध्यान ढांचे अटेंशन फ्रेम पर ध्यान दिया जाए तो ये सभी ढांचे एक समान अपरिष्कृत और गैर अन्योन क्रियात्मक नहीं होते हैं यानी ये नॉन इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। अतः कथन एक सत्य है जबकि दूसरा असत्य है। नीचे दो कथन दिए हैं। पहला कथन है कि बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं यानी एक्सट्रिंसिकली यानी एक्सटर्नली या एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। दूसरा कथन है कि अंतर्भूत अभिप्रेरित यानी इंट्रिंसिकली यानी इंटरनली मोटिवेटेड विद्यार्थी
ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो उनके जो उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करते हैं, यानी पर्सनल सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा, दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों, दोनों कथन। जो एक्सटर्नली मोटिवेटेड विद्यार्थी होते हैं वो पुरस्कार और प्रशंसा से संचालित होते हैं, वस्तुतः जो इंटरनली मोटिवेटेड या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड विद्यार्थी होते हैं ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो उन्हें पर्सनल सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है। तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही। नीचे दो कथन दिए हुए हैं फिर से। पहला कथन है, सहमति प्रपत्र के निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण कि किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है सुव्यक्त होना चाहिए। दूसरा है, परंतु प्रतिभागियों के किसी संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता नहीं। दोस्तों इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा सी होगा, यानी कथन पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। कथन एक के अनुसार सहमति प्रपत्र यानी कंसेंट लेटर या कंसेंट फॉर्म के निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण कि किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है सुव्यक्त होना चाहिए। सहमति प्रपत्र यानी कंसेंट फॉर्म एक लिखित दस्तावेज है जो प्रतिभागी को सोच के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। इसमें प्रतिभागी की स्पष्ट भूमिका होती है, जोखिम लाभ की व्याख्या और गवाह के सामने प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, अतः इसे सुव्यक्त होना चाहिए। जबकि कथन दो असत्य है क्योंकि प्रतिभागियों के किसी भी संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता है। तो पहला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिमरमैन द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगमन के चक्रीय चरण प्रक्रियाएं स्पेस के रूप में कार्य करती हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा? क्वेश्चन क्या है कि जिमरमैन द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगमन यानी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के चक्रीय यानी साइक्लिक चरण फेजेज और प्रक्रियाएं स्पेस के रूप में कार्य करते हैं, तो उसका जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यानी सबसे पहले ए फिर बी फिर सी डी ई एफ, यानी सभी सही मिले हुए हैं। तो जिमरमैन द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगमन यानी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के चक्रीय चरण प्रक्रियाएं निम्नलिखित रूप में कार्य करती हैं। पहला, कृतक विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ एक्ट्स, स्व अभिप्रेरण विश्वास यानी सेल्फ मोटिवेटेड बिलीफ, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल, फिर आत्म प्रेक्षण यानी सेल्फ आत्म प्रेक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन, फिर आत्मनिर्णयन तो ये है सेल्फ डिसीजन, फिर आत्म प्रतिक्रिया यानी सेल्फ फीडबैक। इस प्रकार विकल्प ए सही है, तो सभी चीजें सही सुमेलित हैं। सबसे पहले एक्ट एनालिसिस ऑफ एक्ट होता है, फिर स्वप्रेरण विश्वास यानी सेल्फ मोटिवेटेड बिलीफ, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ डिसीजन सेल्फ फीडबैक। सूची एक को सूची दो से अधिगमित मतलब मिलाना है, तो बिग बिग की अधिगमन प्रक्रिया का पूर्वाभास प्रक्रिया निष्पादन मॉडल, तो बिग का एंटीसिपेटिव बिग का एंटीसिपेशन प्रोसेस परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ लर्निंग प्रोसेस और उसके फैक्टर्स, तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा, बिग की एंटीसिपेशन प्रोसेस परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ लर्निंग प्रोसेस उसके फैक्टर। तो अधिगम निष्कर्ष यानी लर्निंग फाइंडिंग ये सेटिस्फेक्शन भावात्मक अंतर्भाविता यानी सेटिस्फेक्शन प्लस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें फैक्टर होते हैं। अधिगमन केंद्रित अधिगम केंद्रण क्रियाकलाप यानी लर्निंग फोकस्ड एक्टिविटी, इसमें अधिगम का अविरत उपागम यानी कंटिन्यूअस अप्रोच ऑफ लर्निंग इसके कारक हैं। थर्ड है विद्यार्थी विशेषता स्टूडेंट स्पेशलिटी, तो इसमें पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज की महत्ता होती है। फिर अध्यापन संदर्भ यानी टीचिंग रेफरेंस, इसमें मूल्यांकन इवेल्युएशन होता है। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, पहला है
तो पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्तार्थ यानी कंजंक्शन कंजंक्शन में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण एवं विशेषताएं होती हैं। तो कंजंक्शन हैज द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल्स। दूसरा स्टेटमेंट है कि विस्तृत अर्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस द टर्म रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ क्लास स्पेसिफाइड। इसमें सही उत्तर को खोजना है, तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा। पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। संयुक्तार्थ यानी कंजंक्शन में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताएं होती हैं, वे गलत है। वस्तुतः विस्तृत अर्थ में पद किसी वर्ग के सदस्यों को इंगित करते हुए उसे अर्थ प्रदान करता है, जो संयुक्तार्थ कंजंक्शन होता है में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताओं से रहित होती है। दूसरा कथन के अनुसार विस्तृत पद में पद का विस्तृत अर्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं, यह कथन पूर्णतः सही है। तो इसमें जो विकल्प होगा डी हो। मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। मापन उपकरणों का विकास और उपयोग पहला, दत्त की व्याख्या, फिर उद्देश्यों एवं निष्कर्षों क्राइटेरियन को स्थापित करना, फोर्थ है निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा सी नंबर सही होगा, यानी सबसे पहले उद्देश्यों और निष्कर्षों यानी क्राइटेरिया को स्थापित करना, दूसरा मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, फिर थर्ड दत्त की व्याख्या, और लास्ट में क्या होगा निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के आलोक में हम छात्रों के ज्ञान का आकलन करते हैं, इसका सही क्रम है उद्देश्यों एवं निर्णयों को स्थापित करना, मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, दत्त यानी आंकड़ों की व्याख्या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फिर निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, मूल और अर्थ, तो इसमें जो सही आंसर होगा ए होगा। यानी सत्यनिष्ठा का मतलब होता है आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना तथा, हाँ तो सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ होता है आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना अर्थात सही कार्य करना। सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या होगा, ट्रूथफुलनेस मीनिंग का मतलब होता है आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना अर्थात सही कार्य करना, सही कार्य करना। फिर समूह कार्य में पारस्परिक सहायता एवं सहयोग आवश्यक है, तो ग्रुप असाइनमेंट में पारस्परिक सहायता और सहयोग आवश्यक है अर्थात सभी सदस्य सामान्य कार्य करते हैं, सभी सदस्य सामान्य कार्य करते हैं यानी परस्पर सहायता और सहयोग करना। फिर अनुशासन का तात्पर्य नियम का पालन करने वाले व्यवहार नियमन आदेश नियंत्रण और अधिकारों से है, इसमें समर्पण तथा अथक परिश्रम होता है, तो ये सेकंड से मिलेगा। सकारात्मकता में अच्छी आवृत्ति का होना आवश्यक है, इसमें विषम या विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो अच्छी आवृत्ति होना आवश्यक है सकारात्मकता में, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। फिर सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा, मतलब ए को सेकंड से मिलाना है। रचनात्मक मूल्यांकन यानी या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, यह विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। फिर स्थानन मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट असेसमेंट, इसमें पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना इसका उद्देश्य है, उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है प्लेसमेंट इवेल्युएशन के लिए। संकलनात्मक मूल्यांकन समेटिव इवेल्युएशन, तो इसमें दोस्तों यह कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। उपचारात्मक मूल्यांकन यानी रिमेडियल इवेल्युएशन, तो इसमें यह मूल्यांकन अधिगमन या अधिगम यानी लर्निंग की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करना है इसका उद्देश्य।
तो रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रति पुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करता है। स्थानान्तरण मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट इवेल्युएशन का उद्देश्य पाठ्यक्रम या विषय के लिए अभ्यर्थी के अभिरुचि का पता लगाना। इसके लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा से गुजारा जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवेल्युएशन में कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। ये उपचारात्मक मूल्यांकन यानी रेमेडियल इवेल्युएशन तो अधिगम यानी लर्निंग की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या करना। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दूसरा है स्वयं का पूर्ण रूप है सोर्स विद एक्टिव यंग एस्पिरेशनल माइंडफुलनेस। तो पहला दूसरा तो बिल्कुल गलत है, पहला सही। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसे 2016 में AICTE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस समय तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषताएं? इसमें आंसर डी होगा, केवल सी और डी, यानी समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास और विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। तो यह शिक्षण स्तर का उच्चतम बिंदु है। इसमें चिंतन स्तर में शिक्षण समस्या केंद्रित रहती है। इसमें शिक्षण रटने या समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, अनुसंधान, धैर्य आदि का विकास हो, ताकि समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। चिंतन या कॉग्निटिव स्तर प्रशिक्षण की दो विशेषताएं हैं, समस्या का प्रतिपादन और समस्या का समाधान। इस प्रकार इस स्तर में स्मृति तथा बोध स्तर का शिक्षण निहित होता है। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षण का कार्य छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत करना, उसमें शिक्षार्थी में उद्दीपन जिससे शिक्षार्थी में उद्दीपन उत्पन्न हो सके और वह उन समस्याओं के लिए अपनी परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी ये होनी चाहिए, विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी ये भी होना चाहिए। जो सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, यानी व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी ये नहीं होनी चाहिए। विधिमानता यानी लॉफुलनेस तो ये तो होना ही चाहिए। तो उत्तम प्रश्न पत्र गुड क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों की क्षमता का उचित परीक्षण करने में समर्थ होता है। एक अच्छा प्रश्न प्रतिक्षार्थियों की रचनात्मकता को प्रज्वलित करता है, रचनात्मकता को प्रज्वलित कर सकता है। एक उत्तम प्रश्न पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, प्रासंगिकता, स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता, संक्षिप्तता, स्तरीयता या स्तरीय होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड का होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और इसका रिलेवेंट होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति निष्ठता उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं, सब्जेक्टिविटी उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं। स्वयं निम्नांकित में से किस माध्यम से सर्वश्रेष्ठतम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता? तो इसमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों दृश्य व्याख्या। तो स्वयं का अर्थ है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह शिक्षा नीति के तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों को द्वारा निर्देशित है, पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम शिक्षण एवं अधिगम के उपकरण उपलब्ध कराना है। इसमें सम्मिलित है वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री, आकलन, वाद विवाद। शिक्षण के गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेत है, तो शिक्षण के गत्यात्मक उपागम यानी डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है डी नंबर, विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो शिक्षण के गत्यात्मक यानी डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग से तात्पर्य है छात्रों की सक्रियता, उनकी गतिशीलता तथा संलग्नता पर ध्यान देना। इसके अंतर्गत किसी भी पाठ के लिए बिल्कुल नवीन दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अलावा इस उपागम में
चर्चा करना विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सिखाया जाना शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत अधिगम के अभिलक्षण हैं, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के कौन कौन से लक्षण हैं या विशेषताएं हैं। तो यह इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, यानी केवल बी सी और डी, यानी इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। सी यानी यह मूल्य प्रभावी है और डी यानी यह रोजगार से संबंधित। तो गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षण अधिगम गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कि शिक्षण परिसर के अतिरिक्त संपादित की जाती हैं। यह शिक्षा प्रणाली पीएच कोम्स तथा अहमद ने की थी। गैर पारंपरिक शिक्षण पद्धति में शामिल है अधिगमकर्ता के अनुसार यानी लर्नर्स के अनुसार कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, कम वित्तीय खर्च हो, गुणवत्ता में सुधार हो, मूल्य प्रभावी हो, रोजगार से संबंधित हो, नॉन कन्वेंशनल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधित ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना गया। तो लर्नर्स के लिए किसे सर्वोत्तम माना गया, तो सृजन करना यानी कुछ क्रिएट करना। संशोधित ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार सृजन करना यानी क्रिएशन को अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ब्लूम की संशोधित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक अधिगम कॉग्निटिव लर्निंग के 6 स्तर होते हैं, जो इस प्रकार हैं: याद करना यानी मेमोराइजेशन, समझना यानी अंडरस्टैंडिंग, लागू करना यानी एग्जीक्यूशन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन और सृजन करना यानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता। तो उसका जो उत्तर होगा बी होगा यानी जिज्ञासा। तो फिशवाल जिज्ञासा तथा दल युक्त एकल टी पेयर सोलो उपागम सहकारी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। मैंने फिशबॉल जिज्ञासा और दल युग्म एकल टी पेयर सोलो उपागम सहकारी अधिगम के अंतर्गत आते हैं, जबकि निदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सहकारी अधिगम एक शैक्षणिक प्रक्रिया यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका प्राथमिक केंद्र बिंदु एक प्रकार के सहयोगी शिक्षा है। सहकारी अधिगम में छात्र एक संरचित या संरचित गतिविधि पर छोटे समूहों में एक साथ काम करते हैं तथा उन समूहों का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से छात्रों की जवाबदेही भी होती है। सहकारी समूह एक टीम के रूप में काम करते हैं। छोटे समूहों में छात्र अपनी शक्तियों को साझा कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपने कमजोर कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। इसमें छात्र संघर्षों से निपटना भी सिखाते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि शिक्षण और अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग का समझ स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंध परकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अधिग्रहण पर आधारित है। सेकंड स्टेटमेंट, शिक्षण और अधिगमन यानी लर्निंग और टीचिंग का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। तो इसमें दोस्तों दोनों कथन सही होंगे। शिक्षण से ही बच्चों में व्यक्तित्व का विकास होता है जिसके द्वारा दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षण और अधिगम का समझ स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंध परकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अधिग्रहण पर आधारित है। इस प्रकार कथन एक सही है। शिक्षण और अधिगम के माध्यम से बच्चों में निष्पक्ष होकर आलोचनात्मक समस्या निवारण हेतु कौशल और हुनर का विकास होता है। इस प्रकार कथन सेकंड भी सही है। शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। यहाँ पर शिक्षण से आशय पढ़ाना सिखाना यानी टीचिंग है, जबकि अधिगम से तात्पर्य है सीखना यानी लर्निंग। शिक्षक शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षार्थी उसे सीखता है। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिससे शिक्षार्थी उसको सीख कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अधिगम से
अधिकांश यही शिक्षार्थी में आत्मबोध समाज में सामंजस्य बनाने का गुण तथा अच्छा व्यक्तित्व उभर कर आता है और वह जीवन में इसका प्रयोग करता है। इसका उत्तर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन के संदर्भ में एन एस क्यू एफ के अनुसार सक्षमता स्तर कॉम्पिटेंसी लेवल 8 निम्नलिखित में से किसके समतुल्य? तो ये दोस्तों मास्टर डिग्री के समतुल्य। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार सक्षमता स्तर 8 मास्टर डिग्री के समतुल्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर डी होगा। NSQF एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित ढांचा है जो व्यक्तियों को वांछित योग्यता को हासिल करने में सक्षम बनाता है। वस्तुतः यह एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित कौशल और गुणवत्ता आधारित संरचना है या ढांचा है जो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा और तकनीक शिक्षा सहित कई क्षैतिज और साथ ही साथ लंबवत मार्ग प्रदान करता है या करेगा। नई शिक्षा नीति के प्रमुख क्षेत्र, इसमें जो सही आंसर होगा डी होगा, केवल सी डी और ई यानी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों की पुनर्संरचना, समग्र शिक्षा प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा के विनियामक तंत्र में परिवर्तन करना। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूल सार्वभौमिक हो, 3 से 6 वर्ष के बीच के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल करना, नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना क्या होगी, 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कला और विज्ञान के बीच कोई अलगाव नहीं, तो व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कला और विज्ञान के बीच कोई अलगाव नहीं, मूलभूत साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना, मूल्यांकन सुधार, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन कोष, शिक्षकों की भर्ती में मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन, उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाना, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, शिक्षा सहित और चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिंगल ओवर टचिंग छात्र निकाय भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI मानक सेटिंग के लिए स्वतंत्र निकायों के साथ सामान्य शिक्षा परिषद और विनियमन राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, सकल नामांकन अनुपात का विस्तार, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षक शिक्षा 4 वर्षीय एकीकृत चरण, विषय विशिष्ट शिक्षा स्नातक, सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्त करना, सभी शिक्षा संस्थानों को लाभ के लिए नहीं बल्कि लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों पर रखा जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान देने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को मजबूत करना। तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा, सी डी। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, मौलिक कारक और अधिगम की विशेषताएं यानी लर्निंग की विशेषताएं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, यानी प्रेरणा को अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन से मिलाया जा सकता है, उत्प्रेरण को यानी स्टिमुलस को उद्दीपन स्टिमुलेटर, या तो इसमें प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन को अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन से मिलाया जाता है, उत्प्रेरण यानी टिगरिंग को उद्दीपन यानी स्टिमुलस से, फिर अनुक्रिया यानी रिस्पांस को एक्शन से, पुनर्बलन यानी रीएनफोर्समेंट को प्रतिफल यानी रिटर्न से। तो
इसका सही भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिकम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है, प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम। इसे निम्नांकित में से किसका उदाहरण माना जाना चाहिए, इसे निम्नांकित में से किसका उदाहरण माना जाएगा, तो ये काइंड ऑफ सकारात्मक फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को प्रतिपुष्टि कहते हैं, यानी फीडबैक कहते हैं। शिक्षण के अंतर्गत फीडबैक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक फीडबैक और नकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक से आशय समान कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से वांछित सूचना या परिणाम प्राप्त करने के संदर्भ में उचित मार्गदर्शन से है। प्रश्नगत टिप्पणी सकारात्मक फीडबैक को इंगित करती है, क्योंकि सकारात्मक फीडबैक से जहां एक ओर सीखने हेतु प्रोत्साहन मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र मौलिक चिंतन भी जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में यानी कॉग्निटिव स्फीयर में निम्नांकित में से किसे अधिगम यानी लर्निंग परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उसका जो आंसर होगा डी होगा, केवल बी डी और ई यानी अवधारणात्मक तथ्यों का विश्लेषण संश्लेषण जिसमें सिंथेसिस जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, और ई मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्फीयर में बी एस ब्लूम महोदय ने मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता के अनुसार अधिगम परिणामों का क्रमानुसार वर्गीकरण किया है, जिसमें छह वर्गों में बांटा गया, जिसे छह वर्गों में बांटा गया, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। पहले तो आपको नॉलेज मिलेगा, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अवबोध करेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन होगा, एनालिसिस होगा, फिर सिंथेसिस होगा, फिर एवेल्युएशन होगा। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम परिणामों के सोपान उच्चतर पर क्रमशः अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित तो हो, तथा मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोगों द्वारा निर्णय लिया गया हो सम्मिलित। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। फिर दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उनकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अविकल्पित होते हैं, यानी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस टेस्ट जो परीक्षार्थी होते हैं एग्जामिनी होते हैं कि ज्ञान एवं उनकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं, तो यानी स्पेसिफिक आंसर टेस्ट विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा दोस्तों ये होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत दो मुख्य परीक्षण स्वीकार किए जाते हैं, इष्टतम निष्पादन परीक्षण यानी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस टेस्ट, और दूसरा विशिष्ट उत्तर परीक्षण यानी स्पेसिफिक टेस्ट मॉडल, स्पेसिफिक आंसर टेस्ट। तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस टेस्ट में एक साथ कई क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमताओं का मापन किया जाता है, इसके माध्यम से परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उनकी योग्यता की चरम सीमा का आकलन किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है, विशिष्ट उत्तर परीक्षण यानी स्पेसिफिक आंसर टेस्ट के अंतर्गत किसी विशिष्ट अक्षमता का मापन करते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में यह परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन में भी उपयोग होता है, अतः कथन एक एवं कथन दो दोनों सही है, तो अभीष्ट विकल्प ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना निर्देशन विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है, तो शिक्षण के किस स्तर में संरचना निर्देशन विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है, तो जो सही स्टेटमेंट होगा डी होगा, यानी स्मृति स्तर पर। तो शिक्षण के
स्मृति मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। इस स्तर के शिक्षण में विश्लेषणहीनता पाई जाती है, साथ ही साथ यानी एनालिसिस कुछ नहीं होता है, साथ ही साथ प्रत्यास्मरण और रटने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है जिससे सार्थक और संबंधित पाठ्य पुस्तक आसानी से याद हो सके। ध्यातव्य है कि शिक्षण प्रक्रिया मूलतः 3 स्तरों में विभाजित है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो ये मेमोरी लेवल है। दूसरा है अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तीसरा है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये प्रारंभ में होती है, ये शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में होती है अंडरस्टैंडिंग, और ये जो चिंतन स्तर है यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये अंत में होती है जब आप PhD टाइप की चीज़ें करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।